गुड मॉर्निंग आरके विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ा। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर के बारे में जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे आज अपन सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का आज जीवन परिचय है। जीवन परिचय में इससे पहले अपन प्लेटो और अरस्तु का जीवन परिचय, उसके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। और जब विस्तृत अध्ययन करने के बाद में अपन सभी यानी कि हम सभी ये पाए कि जो काल अरस्तु और प्लेटो का जो सिद्धांत था दार्शनिक था, और दार्शनिकता के साथ साथ उसमें वैज्ञानिकता का पुट मिलता है। तो मुख्य तौर पर कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन काल किया जाता है, जो मार्क्सवाद का अध्ययन काल किया जाता है, अध्ययन काल में अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स का जो जीवन है 1848 से लेकर 1883 तक का रहा है। इसमें जीवन परिचय में अपन ये कहेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन का जो अध्ययन के अपन करेंगे, हम सभी करेंगे आज। उसमें ये कहा गया है कि 5 मई 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रेड नगर में उनका जन्म हुआ, और उनके पिता जो हेनरिक थे वो एक वकील थे। तो कहने का अभिप्राय हेनरी के वकील थे और यहूदी धर्म को ग्रहण कर रखे थे, लेकिन यहूदी धर्म को ग्रहण करने के बाद में कुछ समय बाद में उन्होंने यहूदी से ईसाई धर्म को अपना लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई कट्टरता नहीं थी कार्ल मार्क्स में या कार्ल मार्क्स का जो परिवार था, लेकिन उन्होंने यहूदियों से ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। तो उसके बाद में अपन ये कह सकते हैं कि 1835 में कार्ल मार्क्स स्कूली शिक्षा अध्ययन करके स्कूली शिक्षा का अध्ययन करके उच्च शिक्षा है एजुकेशन में गए, और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने वकालत और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन वहां पर एक साल पढ़ने के बाद में उन्होंने जो कार्ल मार्क्स थे वो बॉन में एक साल अध्ययन करने के बाद में दूसरे विश्वविद्यालय में पहुंच गए, और क्योंकि वहां पर उनके जो पिता जो वकील थे कार्ल मार्क्स को एक वकील का पैसा या वकील ही बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ये सोचा, जबकि कार्ल मार्क्स का कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, जब रुचि नहीं थी तो उन्होंने अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में हाई एजुकेशन की, और 1943 से पहले अपन ये कह सकते हैं कि जो येना विश्वविद्यालय है उनकी शादी से पहले 1843 में जेनी नाम की लड़की से उनका विवाह हो गया। विवाह की जो प्रक्रिया वो भी अपन बताएंगे हम। उसमें जो जेना विश्वविद्यालय में डॉक्टर उपाधि प्राप्त की कार्ल मार्क्स ने, जब कार्ल मार्क्स ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की गई तो अपन ये कह सकते हैं वो दर्शन शास्त्र में। लेकिन इससे पहले अपन ये कहेंगे कि कार्ल मार्क्स एक कुशाग्र बुद्धि के थे, और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते 20वीं शताब्दी थी उसमें हर विद्वान उनका लोहा मानते थे, क्योंकि वो एक तरह से धूम मचा रखे थे कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत थे जिसको वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद और अन्य जो विद्वान थे उनकी होड़ में लगे हुए थे कि वास्तविकता में जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया वो प्रतिपादित सिद्धांत था वो गरीब तबके के लिए और सबके लिए नहीं था, लेकिन समाज को एक ऊंची बुलंदियों तक ले जाने वाला सिद्धांत था। तो कहने का विचार यही है कि जो उनका जीवन काल था कार्ल मार्क्स का बहुत ही रोचक था, और उस रोचकता में अपन ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 5 मई 1818 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ एक वकील के घर, और उनके पिता का नाम हेनरिक था। 1835 में उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद में हाई एजुकेशन के लिए बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया, और वहां अर्थशास्त्र और वकील का अध्ययन किया। लेकिन वहां पर उनका मन उब गया, जब उबने के बाद उन्होंने एक साल पढ़ने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विद्या अध्ययन किया। जो बाकी समय था वो काफी लंबे समय तक
शिक्षा ज्ञान करते हैं करते थे और ये भी कहा जाता उनके बारे में जब लाइब्रेरी खुलती उससे पहले वो लाइब्रेरी के गेट पर आकर बैठ जाते और जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती इसकी किवाड़ बंद नहीं होती तब तक वहां पर लाइब्रेरी में विद्या अध्ययन अन्य जो बुक्स थी उनका अध्ययन करते थे। तो कहने का अभिप्राय यही था या यह है अपन ये कह सकते हैं कि वो बारीकी से शिक्षा का अध्ययन करते थे और कुछ लोग उनको एक कवि के रूप में भी मानते हैं। तो कभी कभार बच्चों क्वेश्चन आता है वो कौन से विद्वान है जो कवि के रूप में विख्यात हुए, तो कार्ल मार्क्स एक कवि के नाम से भी विश्वविख्यात है। तो उनके उसके बाद अपन ये कहेंगे 1838 में पिता की मृत्यु हो गई, बहुत गंभीर बीमारी थी, शाही परिवार था। मृत्यु होने के बाद में वो येना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र जो बुक्स किताब थी जो उसमें शिक्षा अध्ययन करके येना विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद में 1843 में जैनी नाम की एक महिला से उनका विवाह हो जाता है। उससे पहले जो जैनी नाम की जो महिला थी ये कहते हैं कि ये चार साल इनसे बड़ी थी। कार्ल मार्क्स से इनके जो घरवाले इनके रिश्तेदार इनसे खुश नहीं थे। जब वो बॉन विश्वविद्यालय में गए थे वहां पर ही इनसे इनका प्रेम प्रसंग मुलाकात हो गई थी। जब मुलाकात होने के बाद में इनकी जो मंगनी है जो सगाई होती है उसको करने के बाद में इनके पिताजी उन पर पाबंदी लगा चुके थे कि आप जब तक शादी नहीं होगी तब तक आप इनसे मिल नहीं पाएंगे। तो कार्ल मार्क्स एकाग्रचित होकर शिक्षा अध्ययन किए। जब शिक्षा अध्ययन करने के बाद में 1843 में उनकी शादी हो गई। उसके बाद में कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था 20वीं सदी का एक ऐसा सिद्धांत था जिससे कि सभी जो विद्वान लोग थे राजनीति शास्त्री थे वो उनसे लोहा मांस उठने लगे। और उन्होंने कार्ल मार्क्स ने चार सिद्धांत दिए, धंधात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, धंधात्मक भौतिकवादी के बाद इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत वास्तविकता में एक ही इस प्रकार से समाज को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया जो आज उनको अपन याद करते हैं और उनको प्रथम वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान विज्ञानवाद के नाम से उनको जाना जाता है। यह कहा जाता है कि जो लंदन था जैनी नाम की जो महिला से शादी करने के बाद में लंदन एवं उनकी कार्ल मार्क्स का ग्रह स्थल बन गया और वहां पर ट्रुबल नामक लेख प्रकाशन हुआ। ट्रुबल नाम का एक लेख प्रकाशन हुआ और उसके बाद में एंजेस नाम के जो उनके साथी थे जो फ्रांसीसी थे और वो उनके मित्र बन गए। जब मित्र बनने के बाद में उन्होंने 1851 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून 1851 में प्रकाशित किया गया। इससे पहले यह कहा जाता था कि जो कार्ल मार्क्स का जो अंतिम जो समय था 1851 से पहले तो उसमें कार्ल मार्क्स बहुत ही परेशान हो गए और शादी होने के बाद में अनावश्यक आर्थिक तंगी आ गई। जब आर्थिक तंगियां आने के बाद उन्होंने यह सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करे कि जिससे कि आमदनी मिले। तो एंजेस नाम के मित्र ने उनके एक लेख जारी किया। उस लेख से उन्होंने कुछ आर्थिक पैसा वहां से मिला, लेकिन आर्थिक जो पैसा मिला आमदनी हुई। तो उससे पहले उनके जो मकान मालिक था लंदन में उनके सामान और अन्य जो घर को पूरक कर गए। जब पूरक करने के बाद में जो लेखों से जो आमदनी हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि उनका जो अंतिम समय बहुत ही कष्टों से जूझना पड़ा उनको, क्योंकि उस समय अंतिम समय में आर्थिक तंगी की वजह से डबल रोटी और आलू खाकर अपना पेट भरने लगे। जब पेट भरते थे तो उसमें ये कहा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गई, उनका शरीर नाजुक हो गया, कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के बाद उनके शरीर में फौले या ऐसे घाव हो गए जिसकी वजह से उनके ऊपर दवाई का कोई
नहीं वह 14 अप्रैल 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। एक महान युद्ध का नाश हुआ, एक युग का नाश हुआ। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्ल मार्क्स का जो जीवन है बहुत ही रोचक है। उसी रोचकता को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत थे, जो अपन पहले भी बता चुके हैं, दंडात्मकता का सिद्धांत, इतिहास के आर्थिक भौतिकवादी का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये 20वीं सदी में पुरजोर धूम मचा दिया था। तो उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे उनकी जो रचनाएं, हम पढ़ेंगे उनकी रचनाएं, वो देखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मुझे चल रहा था कि जो कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं थी, वो रचनाएं देखे कार्ल मार्क्स ने जो रचनाएं लिखी, द पॉवर्टी ऑफ द फिलोसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, यानी कि जो बुक्स लिखी 1844 द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध रचना रही। और उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे उसके बारे में उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। विशेषकर जो मजदूर वर्ग थे, उस मजदूर वर्ग को एक करने में उन्होंने आह्वान किया इस पुस्तक में। उसके बाद में वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वो 1865 में वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट नाम की पुस्तक लिखी। वो 1865 में कार्ल मार्क्स में वो भी काफी प्रसिद्ध रही। उसके बाद में उन्होंने क्लास स्ट्रगल इन फ्रेंस ये 1848 में ये पुस्तक लिखी। उसके बाद में जो अगली जो नेक्स्ट पुस्तक थी द सिविल वॉर इन फ्रांस, जो सिविल वॉर किया गया वो द सिविल वॉर इन फ्रांस ये लिखी। उसके बाद में जो अन्य पुस्तक थी द गोथा प्रोग्राम, इन्होंने ये पुस्तकें, उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, ये काफी प्रसिद्ध हुई। तो कभी कभार आ जाता है दास कैपिटल, वेल्यू एंड प्राइस, ये पुस्तकें आ जाती हैं। तो कभी कभार आपको अधिकतर ये पूछ दिए कार्ल मार्क्स की दो पुस्तकों के नाम लिखिए, दास कैपिटल और वेल्यू एंड प्राइस, या इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हो। उसमें प्यारे बच्चों घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हो, आप अच्छी तरह इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देखिए। इसके बाद में कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए, वो सिद्धांत देखिए क्या था। इससे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ और रोचक घटनाएं हैं, वो रोचक घटनाएं भी आप एक बार सरस्वती से आप देखिए। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, चार सिद्धांत दिए गए उसके। पहले जो 20वीं शताब्दी में उन्होंने धूम मचा रखी थी, उसका मेन मकसद यही था कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो कहने का मतलब उन्होंने जो आर्थिक अमीरी गरीबी की जो खाई थी, आर्थिक विषमताएं थी, उन आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उस सिद्धांतों के प्रतिपादनों के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि विश्व के मजदूरों, संसार के मजदूरों, एक हो जाओ, आपके पास होने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संसार है। तो कभी कभार आ जाता है कार्ल मार्क्स का कौन सा नारा है, तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के संसार के मजदूरों या विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, आपके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्ल मार्क्स जो गरीब तबके के लोग थे और आर्थिक विषमताएं थी, उनको दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश करने के बाद उन्होंने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वो निम्न प्रकार से आप देखिए। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है दंडात्मक भौतिकवाद, ये कार्ल मार्क्स का दंडात्मक भौतिकवाद दो सिद्धांतों से मिलकर बना, दंडात्मक प्लस भौतिकवाद। जो दंडात्मक भौतिकवाद है, तो कार्ल मार्क्स ने जो दंडात्मक पद्धति है, ये जो दंडात्मक पद्धति है कार्ल मार्क्स ने हीगल नाम के एक विद्वान थे, उनसे ग्रहण की।
जो भौतिकवादी जो सिद्धांत है भौतिकवादी ये सिद्धांत फायरबाख कहने का अभिप्राय यह है दंडात्मक हिगल से भौतिकवाद फायरबाख से हिगल का जो सिद्धांत था जो हिगल का सिद्धांत है ये द्वंद जिसमें संघर्ष की स्थिति मौजूद हो जिसमें संघर्ष की स्थिति मौजूद हो दंडात्मक का अर्थ है दो तत्वों में संघर्ष इसका अर्थ होगा दंडात्मकता का अर्थ होगा दो तत्वों में संघर्ष दो तत्वों में संघर्ष ये हिगल ने कहा कि दंडात्मकता का अर्थ है तो दंडात्मकता का अर्थ है दो तत्वों में संघर्ष या दो समूहों में संघर्ष तो कहने का मतलब इसका जो अर्थ है तो अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं इस पर भौतिकवाद भौतिकवाद मूलतः जिसमें दंडात्मक प्रक्रिया होती है इसमें विचार होते हैं और इसमें मूलतः जिसमें दंडात्मक प्रक्रिया होती है तो कहने का अभिप्राय यह दंडात्मक सिद्धांत हिगल से ग्रहण किया फायरबाख से भौतिकवादी कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है जो हिगल है हिगल विचारों पर बल देते हैं विचारों पर बल देते हैं जबकि कार्ल मार्क्स जबकि कार्ल मार्क्स किसको देते हैं कार्ल मार्क्स पदार्थ पदार्थ पर तो क्वेश्चन आ जाता है हिगल विचारों पर विचारों को केंद्र विषय केंद्र बिंदु मानता है सिद्धांतों का और कार्ल मार्क्स पदार्थ कह दे पदार्थ बोले या तो कह सकते हैं तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्ल मार्क्स पदार्थों पर बल देते हैं और हिगल विचारों पर देते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि दंडात्मकता का दो तत्वों में संघर्ष भौतिकवाद का अर्थ है मूल तत्व जिसमें दंडात्मक प्रक्रिया होती है हिगल ने सृष्टि का मूल तत्व विचार बताया है हिगल ने सृष्टि का मूल तत्व विचार बताया है और कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल पदार्थ तत्व बताए हैं तो अपन इस प्रकार से भी कार्ल मार्क्स का जो दंडात्मक भौतिकवादी सिद्धांत इस प्रकार से भी अपन पढ़ सकते हैं द्वंद दो में संघर्ष द्वंद का मतलब दो और द्वंद का मैं होता है कि संघर्ष करना तो इसके बाद में भौतिकवाद आधुनिक चमकदमक इनके नामों से यह प्रतीत होता है कि भौतिकवाद आधुनिक चमकदमक तो कार्ल मार्क्स दंडात्मक भौतिकवाद इन दोनों का मिश्रण तय करता है तो कहने का अभिप्राय है जो कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक पद्धति के तीन चरण बताए इसको आप एक बार लिख सकते हो जैसे इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से प्यारे बच्चों कभी कभार क्या अधिकतर बार पूछता ही है जैसे दंडात्मक पद्धति कार्ल मार्क्स किससे ग्रहण करता है हिगल से हिगल किस पर बल देता है विचारों पर भौतिकवादी सिद्धांत फायरबाख से फायरबाख जो भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है और जो भौतिकवाद किस पर है पदार्थों पर या तत्वों पर बल देता है लेकिन ये पदार्थों पर और तत्वों पर बल किसको देता है कार्ल मार्क्स देता है सृष्टि का मूल तत्व बताया जाता है इसके बाद में कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक जो भौतिकवादी सिद्धांत दिए उसके तीन चरण बताते हैं तीन चरण कौन से हैं वाद दंडात्मक जो सिद्धांत है उसके तीन चरण लिखे हुए थे वाद प्रतिवाद और संवाद
द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है, यहां पे ही यहां पर लाकर अपन समाप्त कर सकते हैं। और जहां से समाप्त जहां से प्रारंभ होता है वहां पे ही वो उसका अंत होता है, पुनः वहां पर उसका प्रारंभ होगा। तो वाद प्रतिवाद और संवाद, जिसे मैं बोल रहा हूं वाद, आपके रूप में जो प्रतिक्रिया हुई वो प्रतिवाद और उनके बाद जो सारा श्रृंखला वो संवाद। तो कहने का मतलब यही है, कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत का दंडात्मक प्रतिवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसमें यह बताया कि विश्व एक भौतिक जगत है, विश्व एक भौतिक जगत है, और जब भौतिक जगत है तो उसके जो मूल सृष्टि का मूल तत्व क्या है, पदार्थ। सृष्टि को बनाने वाला एक नियामक तत्व क्या है, पदार्थ या तत्व। तो कहने का अभिप्राय वाद प्रतिवाद और संवाद दंडात्मक प्रतिवाद तीन चरणों में होता है। देखिए वाद प्रतिवाद और संवाद, इसको अपन गेहूं का गेहूं के दाने उसको उदाहरण लेकर भी इसको अपन समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं है वो वाद हो जाता है, उसकी खेती में निवाई गुड़ाई करके उसका बीजारोपण कर देते हैं, बीजारोपण के बाद में बाली आ जाती है और फसल काटने के बाद में पुनः वो जो भूसी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, जो जिसको आम भाषा में चारा के नाम से भी संबोधित करते हैं, उस रूप में एक तरफ चारा हो जाएगा और एक तरफ गेहूं हो जाएंगे, पुनः उसी अवस्था में आ जाना संवाद की स्थिति होती है। तो अपन कह सकते हैं गेहूं वाद, वाद बालियों में आना प्रतिवाद, और उन्हें इसकी फसल उगाड़ना, भूसी को अलग करना, गेहूं को अलग करना, ये संवाद है। तो कहने का पूरा ये दंडात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है, पूछेगा 100% पूछेगा दंडात्मक भौतिकवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हो, या इसकी आलोचना तुम लेके लीजिए, या चार नंबर का ये पूछ लेगा, या एक नंबर का ये पूछ लेगा, दंडात्मक पद्धति कार्ल मार्क्स किससे लेने की धन से, या ये पूछ लेगा भौतिकवादी पद्धति कार्ल मार्क्स किससे लेने की फायर से, कार्ल विचारों पर बल देते हैं, कार्ल मार्क्स सृष्टि का नियामक और उसका विकास पर बल देते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेगा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत है दंडात्मक भौतिकवादी, दंडात्मक भी आ सकता है भौतिकवाद भी आ सकता है, इसको आपको बड़ी गहराई से आपको पढ़ना है। ये दंडात्मक भौतिकवाद के कितने चरण है, तीन चरण है, वाद है प्रतिवाद और संवाद है, वाद प्रतिवाद और संवाद। उदाहरण गेम से ले सकते हैं, इस पेन से ले सकते हैं, इसे पेन है प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक वार उसको गलाकर सड़ाकर पेन का रूप दे देते हैं, ये प्रतिवाद, और फिर इसको पुनः इसका अपन उपयोग में करते हैं तो वो संवाद हो जाता है। और वाद प्रतिवाद और संवाद, जिसे मैं बोल रहा हूं वाद आप सुन रहे हो प्रतिवाद, और उन दोनों से आपको सुनकर आपका जो परिणाम आता है वो संवाद होता है, आप जो लिखते हो एग्जाम में वो संवाद होता है, और जब उन्हें आप एग्जाम फाइंड करके अगली नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो तो वो पुनः बाद वाली स्थिति आ जाती है। तो कहना का अभिप्राय ये स्थिति पुनः जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर प्रारंभ अंत होगी, और जहां से अंत होती है वहां पर ये प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछते हैं, तो आप देखिए बैठ बच्चो वाद प्रतिवाद और संवाद, इसकी दंडात्मक प्रतिवाद की तीन चरण है, इसके बाद इसकी जो दंडात्मक प्रतिवाद सिद्धांत है उसकी आगे की जो विशेषता है वो देखें। तो प्यारे बच्चों पे चल रहा था कि दंडात्मक प्रतिवादी सिद्धांत क्या है, दंडात्मक प्रतिवादी सिद्धांत में दंड क्या है, सृष्टि के विचार ईगल से, भौतिकवाद आयुर्वाद से, सृष्टि का विकास, ये सभी के बाद में दंडात्मक भौतिकवाद के चरण, तीन चरणों में वाद प्रतिवाद और संवाद, संवाद के बाद में
आगे की जो प्रक्रिया थी, जो कार्ल मार्क्स ने जो धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसकी क्या खूबियां है, उसकी जो विशेषता है वो देखें। आंगिक एकता, पहली विशेषता यही है कि ये जो धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है, जो पदार्थ है वो एक दूसरे पर निर्भर है। ये सिद्धांत दिया क्योंकि आधुनिक जो भौतिकवादी जो तत्व है एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि ये संसार एक दूसरे के माध्यम से क्रियान्वित है। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि आंगिक एकता होती है, भौतिक जो चमक धमक है, भौतिक जो परिपाटी है, और कार्ल मार्क्स का धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है, जिस प्रकार से वाद प्रतिवाद और संवाद ये एक दूसरे पर निर्भर है। उसी प्रकार क्रिया से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये आंगिक एकता एक दूसरे के पूरक है। फिर उसके बाद में कार्ल मार्क्स का धनात्मक सिद्धांत है वो गतिशील है, गतिशील है, हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा। अगर गतिशील नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ये सिद्धांत ही बना रहेगा। आगे जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज में, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, इस सिद्धांत को अपनाने की, वो इसको अपना नहीं पाएंगे, स्थिर ही रहेगा। तो कार्ल मार्क्स का जो धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वो गतिशीलता पर आधारित है, हमेशा क्रियान्वित होता रहता, आगे बढ़ता रहता है। ये कहने वाला सजीव है, सजीवता से जिस प्रकार से बच्चा ग्रोथ करता है, या जिस प्रकार से हम सभी पढ़ते हैं, जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे जिस प्रकार से अपन किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, मंजिल के छत पर जाने के लिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप पहली सीधे दूसरी सीधे तीसरी सीधे इस प्रकार से जाते हैं, तो ये सिद्धांत है। उसके बाद में कार्ल मार्क्स का जो धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत की एक विशेषता ये भी है, ये सिद्धांत परिवर्तनशील है। परिवर्तन वक्त और समय के साथ अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, क्रियान्वित होता रहता है, वक्त की नजाकत को देखते ही हमेशा ये भी कहते हैं कि जो वक्त और समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन कर लेता है वो उस समय का महान व्यक्ति होगा। तो ये भी इसका एक सूत्र ये भी है, जहां पे परिवर्तन होगा तो विकास होगा, और विकास होगा तो आधुनिक सुख सुविधाएं मिलेगी। तो कहने का मतलब कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि परिवर्तन करो, चाहे वो क्रांति के माध्यम से ही करो। इसके आगे हम ये भी कह सकते हैं, क्रांति होगी तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो विकास होगा। तो कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्रांति या संघर्ष होगा तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो विकास होगा। उसके बाद में परिमाणात्मक और गुणात्मक, जो परिमाणात्मक है उसमें सृष्टि का विकास होता है, निश्चित तौर पर ग्रोथ करते रहते हैं, धीरे धीरे समय समय ग्रोथ करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। जबकि गुणात्मक में बड़ी तेज गति से परिवर्तन होते हैं, और इसमें अपन संघर्ष को कह सकते हैं, संघर्ष या क्रांति, इसमें बड़ी तीव्रता के साथ परिवर्तन होते हैं। जैसे बर्फ से पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना, ये गुणात्मक है। गुणात्मक भी कार्ल मार्क्स का जो धनात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है उसका एक सिद्धांत में से उसकी विशेषता रही है कि परिमाण धीरे धीरे संदेशन होगा, और गुणात्मक परिवर्तन क्रांति के माध्यम से अपन कर सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी विशेषता क्रांतिकारी प्रक्रिया, बड़ी तीव्रता से परिवर्तन होगा, क्रांति होगी तो परिवर्तन होगा तो विकास होगा, ये पहले अपन बता चुके हैं। नकारात्मक और सकारात्मक, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, एक चीज के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, एक बात के दो निष्कर्ष निकलते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों में वाद विवाद होगा, जब वाद विवाद होगा
तो वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, कुछ के लिए खराब भी होगा। तो कहना का अभिप्राय इस सिद्धांत की जो विशेषता रही है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के पक्षों पर ही ध्यान दिया गया है, दोनों पक्ष ही निकल के आते हैं। कहना का अभिप्राय ये है कि कालवास की जो द्वंद्वात्मक प्रतिवादी सिद्धांत की विशेषता है, आंगिक एकता अंगों के समान गतिशील हमेशा आगे बढ़ता रहता है, परिवर्तनशील भक्त और सबके साथ अपने आप में परिवर्तन करना, परिमाणात्मक और गुणात्मक इसमें धीरे परिवर्तन होते हैं, जिसमें एक के साथ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी प्रक्रिया होनी जरूरी है, संघर्ष की स्थिति होनी जरूरी है। यदि संघर्ष की स्थिति होगी तो उसमें दो पहलू होंगे, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो प्यारे बच्चों आपको ये विशेषताएं हैं अच्छी तरह से आपको याद करना है, 100% इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है। कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक प्रतिवादी सिद्धांत है इसके ऊपर फिर पुनः इनके बारे में बता देता हूँ। द्वंद्वात्मक संघर्ष करना प्रतिवाद आधुनिक चमकदमक ये फाइव मार्क्स है। द्वंद्वात्मक की गल से हीगल विचारों पर बन देता है और प्रतिवाद आधुनिक चमकदमक पदार्थों पर बन देते हैं। और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भी आधुनिक प्रतिवाद पर ही आधारित है। कार्ल मार्क्स को प्रथम समाजवाद का वैज्ञानिक के रूप में मानते हैं, प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक की संज्ञा दी है, क्योंकि उनका जो 20वीं सदी का जो युग था उसमें सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स को बुद्ध ईसा इनके समकक्ष मानने लगे थे कुछ विद्वान। तो कहना का मतलब कार्ल मार्क्स ने ऐसी क्रांति लाई कि जब वो जन्मे बहुत ही सागर बुद्धि के थे, जब अंत हुए उनका अंत हुआ 1883 में, तो कहने का मतलब ऐसे युग की समाप्ति हो गई थी जैसे सृष्टि में सृष्टि का विनायक जो सृष्टि का निर्माता वही शांत हो गया। तो कहने का मतलब यही है कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया, सिद्धांत की विशेषता थी। अब इसके बाद में सिद्धांतवाद में कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक प्रतिवादी सिद्धांत उसकी आलोचना देखें। तो प्यारे बच्चों आपने चल रहा था कि द्वंद्वात्मक प्रतिवादी सिद्धांत की विशेषता है, सिद्धांत की विशेषता के बाद में अपन हम आलोचनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। आलोचना में आत्म तत्व की उपेक्षा की गई है, इसमें यह कहा गया है कि कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स महोदय है, वह ये कहते हैं कि भौतिक तत्व पर बल दिया गया, पदार्थों पर बल दिया गया है, जबकि इसमें आत्मा की उपेक्षा की गई है, आत्मा की उपेक्षा की गई है। सृष्टि में पदार्थ की महत्ता को स्वीकार कर लिया है लेकिन आत्मा की उपेक्षा की गई है। लेकिन आत्मा की उपेक्षा करना एक प्रकार से अपन गलत मानते हैं, क्योंकि मनुष्य जगत में मानव रूपी इस मानव समाज में आत्मा होना अति आवश्यक है, इसलिए इसकी आलोचना का एक आधार बन गया है। उसके बाद हम भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट है, भौतिकवादी जो धारणा है अस्पष्ट है, उसके साक्ष्य नहीं दिए, इसके प्रमाण नहीं दिए गए कि वास्तविकता में जो भौतिकवाद है आधुनिक चमकदमक है, आधुनिक चमकदमक के साथ में सृष्टि के जो निर्माण तत्व है, सृष्टि को बनाने वाले जो तत्व है वो भौतिक जगत के आधार पर आगे क्रियान्वित होंगे या नहीं होंगे, या सही मायने में ये नियम मानव समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, इसके लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए इसकी आलोचना का कारण बना है। भौतिकवादी दर्शन इसमें भौतिकवाद आधुनिक चमकदमक की है, आध्यात्मिकता की कोई झुकाव नहीं है, जहाँ पर आध्यात्मिकता नहीं होगी तो मात्र ये जो उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था है भारत में, जो वैदिक संस्कृति है और उत्तर वैदिक संस्कृति है, वेद प्राण इनकी जो संस्कृति है वो मनुष्य समाज पर मनुष्य रूपी समाज पर लागू नहीं होंगे, और भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय संस्कृति पर सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि भौतिकवादी दर्शन मात्र ही है, ये आध्यात्मिकता की ओर नहीं है। उसके बाद हम चेतन जो है जड़ पदार्थ का संचालन मुख्य तत्व चेतन है, लेकिन अगर कोई पत्थर है तो उसमें से पत्थर से में पत्थर का अगर किसी चीज का पत्र का उपयोग करेंगे तो क्या वो चीज सजीव हो जाएगी। तो कहने का मतलब चेतन द्वारा
कुछ शाखाओं के द्वारा जड़ पदार्थों को आगे की ओर क्रियान्वित करना चाहते हैं। अगर अपन पत्र को किसी संबल से सहारा देंगे तो आगे तो चले जाएगा, लेकिन वो अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ पाएगा। तो कहने वाला कार्ल मार्क्स की आलोचना का आधार जड़ द्वारा चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन करना एक अनुचित सिद्धांत है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। क्योंकि अपन मनुष्य के द्वारा उसको सहारा तो दे दिया जाएगा, लेकिन फिर वो आगे क्रियान्वित नहीं होगा। उसके बाद में दंडात्मक पद्धति से विकास एक कल्पना है। दंडात्मक का अर्थ होता है संघर्ष, जहाँ पर संघर्ष होगा तो निश्चित तौर पर विकास की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में अपन विकास की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वो जब जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया उस समय यह बताया गया कि जो कार्ल मार्क्स का जो दंडात्मक सिद्धांत है संघर्षवाद मौजूद है, संघर्षवादी सिद्धांत है, तो अपन इसको संघर्षवादी सिद्धांत भी कहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसको कल्पना मात्र बताया। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत दंडात्मक पद्धति है जो हीगल से ग्रहण की है और उसमें सृष्टि का मैन तत्व पदार्थ को बताया है, जबकि पदार्थ के द्वारा सृष्टि का विकास नहीं होता है, आध्यात्मिकता और आत्मा के माध्यम से सृष्टि का विकास होता है। इसलिए कल्पना मात्र है, एक अपोल है, एक सपन रोग के समान है। उसके बाद में अपन यह कहेंगे कि परमाणु के दृष्टांतों पर बल दिया जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसमें परमाणु की बजाय साक्ष्य की बजाय जो दृष्टांत है जो समाज में जो क्रियाएं गतिविधियां गठित होती हैं उस पर बल दिया गया है। तो कहने का मतलब इस सिद्धांत परमाणु की बजाय दृष्टांतों पर बल देना भी एक अनुचित है, क्योंकि इसमें जो साक्ष्य है साक्ष्य के आधार पर ही कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत आगे बढ़ पाएगा। जबकि कार्ल मार्क्स ने दंडात्मक जो बहुतवादी सिद्धांत है बहुतवादी सिद्धांत के साक्ष्य नहीं जुटा पाए और नहीं जुटाने के बाद में ही इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। तो अपन ये कह सकते हैं दंडात्मक बहुतवादी सिद्धांत की आलोचना ये बिंदु आत्मतत्व की उपेक्षा अंतरात्मा की उपेक्षा की गई है। बहुतवादी धारणा स्पष्ट है, आधुनिक चमकदमक की तो है, लेकिन ये आगे क्रियान्वित नहीं हो सकती, आगे सक्सेस नहीं हो पाती है। दर्शन बहुतवादी दर्शन है, चमकदमक दिखाई देती है, लेकिन इसमें आत्मा तत्व नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। चेतन द्वारा मनुष्य के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा सहारा तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति आगे चेतन नहीं बन सकता है। अपन उसको ये कहें कि वो कुछ हद तक उसको सहारा दे और बाद में वो आगे क्रियान्वित हो सजीव हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। दंडात्मक पद्धति का विकास कुछ हद तक ये कहते हैं दंडात्मक संघर्ष के माध्यम से अपन विकास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे विकास चाहते हो तो आपसी सामंजस्य के माध्यम से विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहाँ पे युद्ध होगा तो बाकी जो कारखाने जो धंधे वो सब चौपट हो जाएंगे, जब चौपट हो जाएंगे उनको पुनः जीवित करने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए काफी धन व्यय करना पड़ेगा। मनुष्य होंगे तभी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित कर पाएंगे। जब सृष्टि नहीं होगी, अच्छे कारीगर नहीं होंगे, कुशल श्रमिक नहीं हो पाएंगे, धन का अभाव हो जाएगा, तो अच्छे कारखाने स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो दंडात्मक पद्धति संघर्ष के माध्यम से अपन उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए इसकी आलोचना का कारखाना है। परमाणु में सबूतों का अभाव है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। इस नंबर का क्वेश्चन आएगा कार्ल मार्क्स में से जिसे दंडात्मक बहुतवादी सिद्धांत है, दंडात्मक बहुतवादी सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचना को व्यक्त कीजिए। आपको निडर होकर इस क्वेश्चन को रखना है या अपने दिमाग में बिठा लेना है। और एक बार और फिर उन्हें इसको बता रहा हूँ कि दंडात्मक बहुतवादी सिद्धांत क्या है और क्या नहीं है। ये दंडात्मक द्वंद संघर्ष दो सब दोषी मिलकर है, बहुतवाद आधुनिक चमकदमक है, इस सृष्टि का मूल तत्व है, इस सृष्टि का विकास है, ये मूल तत्व है और ये सृष्टि का विचार है, ये मूल तत्व है और ये सृष्टि का विकास है। और कह रहा है दंडात्मक बहुतवादी आधुनिक जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसको आगे की ओर क्रियान्वित करने वाला सिद्धांत है। यही गलत से ग्रहण किया और यह पारिभाषिक किया, मैं इसको पुनः फिर बता रहा हूँ। ये सिद्धांत आएगा दंडात्मक बहुतवादी गलत से आज बहुतवाद भाग से बहुतवाद आधुनिक चमकदमक दंडात्मक संघर्ष। फिर उसके बाद में इसमें तीन चरण वाद प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद,
एक चरण है, उसके बाद में इसकी जो विशेषता है वो देखना है, इसकी आलोचना देखेंगे। आज की क्लास में लेकिन अभी समाप्त होगी जीएन जीएमआर।